आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और आप लोगों के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट बिल करने वाले हैं चलिए एक पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट ओपी धामा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा तो ओपी धामा ने नाइनटीन में विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डाला था वो कौन सा बिंदु है ये एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको बताना है धामा फाइव फॉलोइंग पॉइंट्स एज द फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई स्वयं सहायता लोग सबसे बड़ा साधन है उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं क्या होगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कि जो धामा है धामा ने विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला था वो बिंदु कौन सा है स्टूडेंट जिसपे धामा ने प्रकाश डाला था बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे से देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा उपयुक्त दोनों यानी कि बोथ ऑफ इसका मतलब हेल्प और उसके साथ में पीपल आर रिसोर्सेज इन्होंने स्वयं की सहायता को प्लस लोगों को सबसे बड़ा संसाधन माना है ठीक है यही आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा चलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट क्वेश्चन देखो वह अवस्था जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है कौन सी अवस्था कहलाती है आपको बताना है इन द स्टेज वेन बेबी लव्स ओनली हिमसेल्फ वो कौन सी अवस्था होती है ठीक है ये आप लोगों का क्वेश्चन है बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा वो कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है अब देखो यहां पे मैंने आपको लगभग दो दिन पहले एक क्लास में बताया था कि हीट्रो का मतलब है <coughs> हीट्रो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जब बच्चा किसी एक अपोजिट जेंडर वाले पर्सन को प्यार करता है है ना आपका होमो का मतलब है जब बच्चा अपने ही जेंडर के व्यक्ति को प्यार करता है है ना एंड आपका यहाँ पे मैंने आपको बताई थी एक ई एज भी होती है वो कौन सी होती है जब बच्चा अपनी माँ को लेकर काम वासना रखना शुरू कर देता है और अपने पिता से जो है वो चिड़ने लग जाता है है ना स्पेशली बॉयज ठीक है एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आपकी आत्म मुग्ध अवस्था यानी कि आपकी जो ये वाली अवस्था दी गई है आत्मुग्ध वाली वही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि हीट्रो में बच्चा अपोजिट जेंडर होमो में बच्चा सेम जेंडर एंड आपका जो ये ई है इसमें जो लड़के हैं स्पेशली उनका मदर को लेके जो क्लोजनेस बढ़ने लग जाता है और वो अपने फादर से चिड़ने लग जाते हैं ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा सो रिमेनिंग आंसर क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि बच्चा खुद से प्यार करने लग जाता है और ये प्यूबर्टी तक तो ठीक है पर प्यूबर्टी के बाद अगर ऐसा होता है तब ये बच्चे के लिए एक डिसऑर्डर बन जाता है ओके okay, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं आपके सामने दिया गया है निम्नलिखित मानवीय संसाधन नहीं है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर भाई देखो जिस भी क्वेश्चन में नॉट होता है ना उसको एक बार अच्छे से देख लिया करो क्यों क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन बड़े नंबर कटवाने वाले होते हैं ओके okay, सो so, निम्नलिखित मानवीय संसाधन नहीं है कौन सा ऐसा है स्टूडेंट जो मानवीय संसाधन नहीं है ये आपको बताना है बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा ठीक है किसी की प्रॉपर्टी किसी की एनर्जी नॉलेज एंड स्किल्स क्या होगा ऐसा जो मानवीय संसाधन की कैटेगरी में नहीं आता है बताओ प्रॉपर्टी एनर्जी नॉलेज एंड स्किल्स क्या होगा हमारा सही आंसर बताइए भाई सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा प्रॉपर्टी क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी वो किसी मनुष्य के अंदर नहीं है है ना सो so ज्ञान की बात अगर हम करें हम ऊर्जा की बात करें हम कौशल की बात करें सो so वो मनुष्य से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके अंदर है है ना सो so यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद ओके okay? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है आपको बताना है स्टूडेंट जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसे क्या कहा जाता है शुद्ध मनोविज्ञान मौलिक मनोविज्ञान आधारभूत मनोविज्ञान और अनुपयुक्त मनोविज्ञान बताइए स्टूडेंट्स जो तो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं सब लोग आंसर लगाएंगे स्टूडेंट्स और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए भाई जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको किस नाम से भी जाना जाता है <coughs> बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टर्मड एस किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट हम उसे अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं ओके okay, ये ध्यान रखिएगा उसको किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो एक एप्लीकेशन पे आधारित है है ना किस पे आधारित है एप्लीकेशन पे आधारित है इसलिए हम उसको किस नाम से जानते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन देखो प्रदर्शन का एक उदाहरण है आपको बताना है जो डेमोस्ट्रेशन है वो एक एग्जाम्पल है किस चीज का व्यक्तिगत संपर्क समूह संपर्क सामूहिक संपर्क और क्षेत्र संपर्क बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा डेमोस्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच ग्रुप अप्रोच मास अप्रोच और फील्ड अप्रोच क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बताओ सब लोगों को आंसर देना है बताते जाएंगे आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी एक्सटेंशन से है क्योंकि एक्सटेंशन में जो अप्रोचेस होती हैं एक्सटेंशन के जो मेथड होते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें आपके इंडिविजुअल मेथड होते हैं ग्रुप मेथड होते हैं मास मेथड होते हैं वहीं से आपका एक क्वेश्चन आया है एंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा समूह संपर्क ओके okay? जो आपका डेमोस्ट्रेशन है जिसे प्रदर्शन विधि कहते हैं ये आपकी ग्रुप अप्रोच होती है जिसमें आप किसी को प्रैक्टिकली उस चीज को करके दिखाते हो मान लीजिए मुझे क्या करना है स्टूडेंट किसी को बताना है कि प्लेन वीव कैसे होती है सो so मैं उसे थियरी ना एक्सप्लेन करके प्लेन वीव को करके दिखाऊंगी ठीक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी जिससे कि सामने वाला पर्सन मेरी जो एक थियरी है उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख पाए ओके और उसे अप्लाई कर सके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना या सूत पिरोया जाता है ठीक है करघा है करघे का एक हिस्सा जिसमें क्या है तार लगे होते हैं और बीच में छेद होता है जिसमें से क्या हो सके जो सूत है उसे आर पार किया जा सके बताइए क्या कहलाता है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना या सूत पिरोया जाता है बताइए स्टूडेंट आपका ऑप्शन है हील सॉफ्ट हार्नेस शटल एंड रीड क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर भाई सब लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई जल्दी से बताइए स्टूडेंट इसको हम किस नाम से जानते हैं सब लोगों को आंसर देना है और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट आपका हील शाफ्ट इसी में ही आपका क्या लगावा होता है लंबी लंबी लाइन्स होती हैं और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ओके okay? सो so, हम जिस पार्ट में ये लगा रहता है उसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट हील शाफ्ट के नाम से जानते हैं ओके सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओके सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन है मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित से संबंधित है आपको बताना है जो मानव विकास का अध्ययन है वो निम्नलिखित से संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है ये आपको बताना है किसी व्यक्ति के शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से एक व्यक्ति की समस्याओं तथा जरूरतों से पारिवारिक संबंधों से और उपयुक्त सभी से बताइए स्टूडेंट जो मानव विकास का अध्ययन है वो निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है किसी व्यक्ति के शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से एक व्यक्ति की समस्याओं तथा तो जरूरतों से पारिवारिक संबंधों से और उपयुक्त तो सभी से तो so, सबको बताना है स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा जो मानव विकास का अध्ययन है वो निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित होता है बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डील्स विद ऑप्शन नंबर फोर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यानी कि फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फैमिली रिलेशंस, ओके ये सारे आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे ठीक है अगर हम एक बार इनको हिंदी में देखते हैं सो किसी व्यक्ति के शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से एक व्यक्ति की समस्याओं तथा ज़रूरतों से पारिवारिक संबंधों से सो हमारे ये सारे आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे ओके okay? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साहस और धैर्य के संयोजन के मूल्य का एक व्यक्तिगत गुण क्या कहलाता है भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो एन इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ वैल्यू को करेज एंड प्रैक्टिस एंड पेशेंस इज नोन आपका क्वेश्चन है साहस और धैर्य के संयोजन के मूल्य का एक व्यक्तिगत गुण क्या कहलाता है एन इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ वैल्यू कंबाइनिंग करेज एंड पेशेंस इज नोन एस बताइए क्या कहलाएगा करेज है पेशेंस है उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट बताओ जल्दी से प्रबंध कहलाएगा समझ कहलाएगा निर्णय कहलाएगा या फिर दृढ़ता कहलाएगा बताओ क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट्स सो मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए देखिए क्वेश्चन में है कि ऐसी क्वालिटी ऑफ वैल्यू जो कंबाइन करके बनती है करेज को एंड पेशेंस को सो so आंसर क्या बनेगा परसिवरेंस ओके यानी कि दृढ़ता ठीक है क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा Student, बनेगा स्टूडेंट परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता बनेगा ओके okay? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन अच्छे से देखो क्वेश्चन है विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर किया जाना चाहिए हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न कमरों के लिए अगर हमें फर्नीचर का चयन करना है तो हमें किस आधार पे करना चाहिए उपयोग के लिए उपयोगता कारीगरी की गुणवत्ता निर्माण तथा परिसज्जा और अनुकरण बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको विभिन्न कमरों के लिए क्या करना है स्टूडेंट विभिन्न कमरों के लिए आपको किसकी बात करनी है आपको बात करनी है फर्नीचर की फर्नीचर के चयन करने की सो so, किस चीज पे आधारित होगा आपका चयन बताओ क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर बताइए जल्दी से भाई सब लोग आंसर देंगे फॉर फर्नीचर फॉर डिफरेंट रूम शुड नॉट बी सेलेक्टेड basis ऑफ आपको नॉट यहाँ पे mention है देखिए मैंने कहा था ना ये नॉट जहाँ छूट जाता है वहां क्या हो जाता है स्टूडेंट आपका गड़बड़ हो जाता है सो so, विभिन्न प्रकार के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर किया जाना चाहिए एंड आपके इंग्लिश के क्वेश्चन में मेंशन है नॉट ओके सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया है अब एक कॉन्ट्राडिक्टी क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे नॉट मान के चलना है स्टूडेंट ओके okay, कि भाई निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए आप इसको नहीं समझ के चलिएगा ठीक है सो so क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा यहाँ बदल दिया है कि विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए वो कौन सा आधार है जिस आधार पर आप क्या नहीं करोगे फर्नीचर का चयन नहीं करोगे क्या हो सकता है स्टूडेंट वो आधार बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आ रहा है नहीं वाले ऑप्शन को ढूंढते ही हमें बिल्कुल पिक्चर सामने आ गई हमारे क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर आपका अनुकरण है ना यानी कि अगर हम बात करते हैं ना किसी की नकल के आधार पे कि भाई उसने ऐसा लिया तो हम भी ऐसा ही लेंगे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए है ना यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूज़ के लिए अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल यू आर सेलेक्टिंग अ फर्नीचर बट आपका जो ये इमिटिएशन है या जो ये अनुकरण है या जो नकल करना है ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं होगा ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन है भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या होता है आपको बताना है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लांचिंग ऑफ फूड अब ब्लांचिंग करना क्या होता है ये तो जानते हो ना बहुत अच्छे से कल भी बताया था कि जब भोजन को पहले कुछ देर के लिए दो तीन मिनट के लिए गर्म पानी देन ठंडे पानी में डाल दिया जाता है वही ब्लांचिंग होती है जिससे आप इजीली जो पील है उसको रिमूव कर सकते हैं जो छिलका है उसको उतार सकते हैं तो so, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है स्टूडेंट भोजन को साफ करना भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना भोजन को पूर्णतः पकाना और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा क्वेश्चन का सही आंसर क्यों हम अपने ब्लांचिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हैं क्या प्राइमरी रीजन है जिसके लिए ब्लांचिंग को यूज़ किया जाता है बताइए सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा वट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लाचिंग ऑफ फूड इज इन एक्टिवेट एंजाइम इन द फूड यानी कि इसकी सहायता से आप भोजन पदार्थों के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको निष्क्रिया करते हैं ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन देखो अच्छे से क्वेश्चन है अभ्रक और कांच होते हैं खनिज रेशे पुनः उत्पादित रेशे कृत्रिम रेशे और धात्विक रेशे बताइए एसबेस्टस एंड ग्लास आर एग्जाम्पल्स ऑफ बताओ सबको आंसर देना है स्टूडेंट के जो एसबेस्टस होता है जो आपका ग्लास होता है वो किस तरीके का फाइबर होता है बताइए क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कि जो एसबेस्टस है और जो ग्लास है वो किस तरीके के फाइबर का एग्जाम्पल होता है बताओ क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या होते हैं स्टूडेंट ये होते हैं आपके मिनरल फाइबर ओके इन्हें हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स इन्हें हम मिनरल फाइबर के नाम से जानते हैं ओके okay? यानी कि खनिज रेशे होते हैं आपके एसबेस्टस एंड ग्लास ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट मनोविज्ञान का गेस्टाल्ट स्कूल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बताओ भाई जो मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट स्कूल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये आप लोगों का क्वेश्चन है बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करें मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट स्कूल की तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था अब यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट पहले कि गेस्टाल्ट स्कूल जो है ना आपका ट्वेंटी ऑफ सेंचुरी में इसको ना फाउंड किया गया था ढूंढा गया था तैयार किया गया था ठीक है और ये बेसिकली किस पे काम करता है एक मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन पे काम करता है यानी कि अवधारणा बनाने पर एक नवीन अवधारणा बनाने पर काम करता है ओके okay, इतना ध्यान रखिएगा ये किस पे काम करता है स्टूडेंट ये एक नवीन अवधारणा बनाने पे काम करता है ठीक है अब अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें सो so मैक्स बर्दाइमर ये इसका यहां पे सही आंसर हो जाएगा ओके okay? एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा मैक्स बर्दाइमर ओके चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक चलिए क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है ये भी ध्यान रखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है अत्याधिक प्रतिभावान बालकों के उदाहरण होते हैं हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट एक हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन की तो उसका क्या उदाहरण हो सकता है बताइए अगर हम एक अत्यधिक प्रतिभावान बालक के उदाहरण की बात करते हैं तो क्या हो सकता है इनमें से सही आंसर 140 फोर्टी व उससे ऊपर की बुद्धि लब्धी 100 से 110 की बुद्धि अस्सी से सौ की बुद्धि लब्धि उपयुक्त में से कोई नहीं छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से बताइएगा बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा ये जो ऐसे वाले ऑप्शन होते हैं ना इन्हें पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम के नहीं होते कुछ आंसर होते हैं ना स्टूडेंट जो बिल्कुल ही एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं बस जिन्हें रखा जाता है कि चलो ठीक है ये फोर्थ नंबर वाली गिनती को पूरा कर देंगे ये वही वाले होते हैं ठीक है सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सब लोग आंसर लगाएंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा हाईली गिफ्टेड की बात चल रही है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि 140 फोर्टी व उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि, एन आई क्यू ऑफ वन फोर्टी एंड अब ओके ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है समांतर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ठीक है हम बात कर रहे हैं यहां पे कि समांतर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है कार्डिंग ओपनिंग कॉमिंग और ड्राइंग बताइए स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है समांतर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द शॉर्ट फाइबर एंड प्लेसिंग द रेस्ट नीटली पार्लर इज कॉल्ड भाई आपने छोटे छोटे फाइबर्स को रिमूव कर दिया अब जो फाइबर है आप उन्हें नीटली पैलर कर रहे हो एक दूसरे के समानांतर कर रहे हो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है ये आपको बताना है स्टूडेंट्स सो बताइए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब हम बिल्कुल उसे पैलर अरेंज करने की कोशिश करते हैं ये कौन सी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स बताओ भाई जल्दी से इस प्रक्रिया को आप किस नाम से जानते हो भाई प्रोसेस है छोटे छोटे फाइबर को रिमूव करने का प्लस उसको एक पैलर अरेंज करने का क्या कहलाता है स्टूडेंट कॉम्बिंग कहलाता है है ना क्या कहते हैं इसको कॉम्बिंग करना कहते हैं या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं इसको हम कंगी करना के नाम से भी जान सकते हैं ओके okay? कॉम्बिंग या कंगी करना कुछ भी आप कह सकते हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सामान्य दृष्टि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक होता है बताइए बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सामान्य दृष्टि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक होता है ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत ही कम समय लगना चाहिए क्योंकि ये अब हमारे लिए बड़े सेट क्वेश्चन हो गए हैं सो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर नॉर्मल विजन एंड इम्यूनिटी बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे वाइटमिन ओके okay, जी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाइटमिन ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन है एक खाने का विकार जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन खाता है और फिर स्वयं प्रेरित उल्टी व रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है उसे क्या कहा जाता है बताइए क्वेश्चन देखिएगा एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल गोज ऑन ईटिंग बेंच सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड पर्जिंग विद लेक्सेटिव्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा स्टूडेंट आपका ये समस्या बताइए एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल गोज ऑन ईटिंग बेंच सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड पर्जिंग विद लेग्जेटिव इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसे अब यहां पर एक बात समझ जाओ क्वेश्चन ने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया है क्योंकि पहली लाइन में लिख दिया है या, या बलमिया नर्वोसा होगा अब बता दो आंसर क्या होगा ठीक है और एक बात का और ध्यान रखना कि मैंने हमेशा एक टेक्निक बताई है कि जब भी बिंज ईटिंग का नाम आता है तब भी हमेशा बलमिया नर्वोसा आंसर होता है ओके? Okay? मैं हमेशा बताती आई हूं कि जब -जब रेटिंग के बारे में बात होगी तब तब आंसर क्या होगा बलमिया आंसर होगा क्योंकि एनरोगिया नर्वोसा क्या है एक अनवांटेड फियर ऑफ मतलब ओबेसिटी है ठीक है ना क्या है स्टूडेंट जो एनरोग नर्वोसा है वो एक अनवांटेड फियर ऑफ बींग ओबीज या ओवरवेट है एक डर है वो है ना तो यहां पे आंसर क्या बनेगा बलमिया नर्वोसा क्योंकि वहीं पे बिन जीटिंग आती है और ये बहुत ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगी और बच्चे इसे हमेशा गलत करते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट्स किशोरावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है बताइएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोल्स आर बताओ भाई क्या होगी आपकी किशोरावस्था की विशेषता यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है इस अवस्था के दौरान यौन विकसित होता है यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है उपयुक्त सभी बताइए क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर सब लोगों को आंसर देना है और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा किशोरावस्था से देखो स्टूडेंट ये टॉपिक ना काफी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम क्यों ना हो चाहे यूपी का टीजीटी हो पीजीटी हो डी ट्रिपल एस बी हो एचएससी हो भाई सब में ना ये क्वेश्चन तो आना ही आना होता है आपका जो किशोरावस्था वाला होता है मतलब किशोरावस्था से क्वेश्चन आपको ना मिले ऐसा पेपर में हो नहीं सकता क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर यानी कि एडोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इट इज अ स्टेज ऑफ इमोशनल टर्मिनल एंड देन सेक्शुअल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज इट इज अ स्टेज ऑफ आइडेंटिटी सर्चिंग ओके चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है देखो आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है एक ग्रहणी जो सतर्कता पूर्वक परिवार के लिए भोजन की योजना बना रही है इसमें वह कौन से मानव संसाधन का उपयोग कर रही है फिर समझो क्वेश्चन को एक ग्रहिणी है क्या कर रही है बहुत ही ध्यान पूर्वक वो क्या बना रही है परिवार के लिए भोजन की योजना बना रही है इसका मतलब वो मील प्लानिंग कर रही है ओके यहाँ पे वो कौन सा रिसोर्स यूज कर रही है और रिसोर्स में भी ऑप्शन में अप्लाइड है मानव यानी कि वो ह्यूमन रिसोर्स कौन सा यूज कर रही है अब आपको सीधे सीधे क्या करना होगा एलिमिनेशन लगा लो कि इनमें से जो मानव रिसोर्स नहीं है वही आपका सही आंसर बनेगा क्योंकि क्या लिखा है कि वो मानव संसाधन का उपयोग कर रही है हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे संसाधन भी हो जो मानव संसाधन हो ही ना वही हमें आंसर कौन सा करना है आपको ढूंढना पड़ेगा तो यहाँ पर ऑप्शंस को समझिए एक बार देखिए मनी तो होने से रहा क्योंकि वो मानवीय संसाधन है नहीं है ना अगर मैं बात करती हूँ टाइम की वो भी होने से रहा क्योंकि वो भी मानवीय संसाधन नहीं है अगर मैं कहूँ मटेरियल की तो वो भी नहीं है तब ये तीनों आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्स हैं और इन तीनों को हमने एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बनेगा नॉलेज ही तो बचेगा ना स्टूडेंट वो क्या होता है एक मानवीय संसाधन आंसर क्या पता क्वेश्चन ही आंसर बताने के लिए बैठा हुआ हो है ना सो so, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पढ़ने की भी जरूरत है कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हो क्योंकि कई बार क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जांच योजना को नियंत्रित करने के किस चरण में आती है आपको बताना है कि जो हम चेकिंग करते हैं ना वो हमारे नियंत्रण के किस फेज में आती है यानी कि जो आपकी चेकिंग है चेकिंग इज डन इन विच कंट्रोलिंग द प्लान बताइएगा बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा जांच योजना को नियंत्रित करने के किस चरण में आती है प्रथम द्वितीय तीसरा या फिर चौथा बताइए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करते हैं जांच की तो वो आपकी योजना को नियंत्रित करने के किस चरण में आती है ये आपको बताना है बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई अब देखो जांच के बारे में अगर मैं बात करती हूं आपको पता है कि प्लानिंग के बाद क्या आता है कंट्रोलिंग आता है है ना तो सेकंड फेज जो होता है हमारा जिसे हम कंट्रोलिंग वाला फेज कहते हैं यही हमारा क्या होता है सेकेंड फेज होता है है ना और कंट्रोलिंग में ही चेकिंग और एडजस्टिंग आता है और एम्फोसाइजिंग आता है तीनों वर्ड्स को याद रखिएगा कंट्रोलिंग में ही क्या आता है चेकिंग एडजस्टिंग और एम्फसाइजिंग आता है है ना बल देना चेक करना और समायोजन बिठाना ठीक है ना जांच करना बल देना और समायोजन बिठाना और ये मैनेजमेंट प्रोसेस का सेकेंड फेज होता है यानी कि सेकेंड स्टेप होता है दूसरा चरण होता है ओके यही आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा तो एक बात का ध्यान रखना कि भाई मैनेजमेंट प्रोसेस भी खुद में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित है किस चीज से बताइएगा इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू किस चीज से संबंधित है आपकी इमेजिनेरी ऑडियंस वाला कॉन्सेप्ट बताओ आंसर क्या बनेगा बताइए भाई सेंसरी मोटर स्टेज एडोल्सन स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर जब हम बात करते हैं काल्पनिक श्रोता दर्शक की वो किस अवस्था से संबंधित है अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ लो कि काल्पनिक श्रोता होता क्या है स्टूडेंट काल्पनिक श्रोता वाली जो आपकी ये अवस्था है या जो ये इमेजिनरी ऑडियंस है ये एक वो अवस्था होती है स्टूडेंट जिसे एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी कहा जाता है ठीक है और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक इंसान ना खुद ही ये सोचता रहता है और ये मानता रहता है कि उसको ना कोई व्यक्ति नोटिस कर रहा है है ना वो जो भी बातें कर रहा है कोई व्यक्ति उसे उत्साहपूर्वक सुन रहा है है ना मतलब हमेशा ये दिमाग में चलता रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं ना कोई हमें नोटिस कर रहा है कोई हमारी बातों को सुन रहा है है ना ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है और ये जनरली किससे संबंधित है डोल से संबंधित है कि आप कुछ भी कर रहे हो आपको बस ये लगता रहता है कि कोई हमें नोटिस कर रहा है है ना यही आपकी इमेजिनरी ऑडियंस वाली क्या होती है कि आपकी, एक एक आपकी डिसऑर्डर कह लीजिए डिसऑर्डर भी नहीं बल्कि इसे आप मनोवैज्ञानिक एक विकास की स्थिति कहोगे जो कि होती ही है अडोलसन के टाइम पे ओके okay? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है वयस्कों में विटामिन डी की कमी को क्या कहा जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी इन अडल्ट कहते हैं बताओ भाई जल्दी से जो आपके डी की डेफिशिएंसी है वो में किस नाम से जानी जाती है स्टूडेंट रिकेट्स स्कर्वी और बेरीबेरी क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर बता दो जल्दी से रिकेट्स ऑस्ट्रोमलेशिया स्कर्वी और बेरीबेरी क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिएगा स्टूडेंट बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अब तक तो ये क्वेश्चन सबको बिल्कुल रट जाना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑस्टोमलेशिया क्योंकि ध्यान रखिएगा रिकेट्स होता है बच्चों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है स्टूडेंट व्यस्को में ऑस्ट्रोपोर होता है वृद्धों में तीन चीजें याद कर लो ये तीनों वाइटमिन डी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से रिलेटेड है ओके okay? क्या क्या रिलेटेड है स्टूडेंट रिकेट्स होता है बच्चों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है व्यस्को में ऑस्टोपोरसिस किसमें होता है स्टूडेंट वृद्धों में होता है ओके चलिए आगे ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स अच्छे से देखो एंड ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है आर वाला क्वेश्चन सो ट्वेंटी ट्वेंटी एन आई एन आई सी एम आर के अनुसार एक सामान्य भारतीय महिला के प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा कितनी होती है भाई आपको पर डे जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट प्रोटीन की पर ग्राम कितनी होती है मतलब कितने ग्राम प्रोटीन एक महिला को एक दिन में लेना चाहिए भारतीय महिला को यह आपको बताना है स्टूडेंट सामान्य भारतीय महिला को ओके okay ना द प्रोटीन आर डी ऑफ नॉर्मल इंडियन वुमेन अकॉर्डिंग टू 2020 ट्वेंटी एन आई एन आई सी एम आर एन आई एन की फुल फॉर्म क्या होती है पहले भी बताया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड आई सी एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं आंसर बनेगा फोर्टी सिक्स ग्राम पर डे ओके okay, क्या बनेगा स्टूडेंट 46 ग्राम पर डे आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 46 ग्राम पर डे ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन देखो अच्छे से क्वेश्चन है बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी का क्या परिणाम होता है आपको बताना है लेक ऑफ लव एंड सिक्योरिटी अमंग चिल्ड्रंस रिजल्ट इन बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स बच्चों में प्यार और सुरक्षा की कमी का क्या परिणाम होता है अंगूठा चूसना अत्यधिक क्रोध डर और भय विनाशकारी विचार बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर लैक ऑफ लव एंड सिक्योरिटी अमंग चिल्ड्रन रिजल्ट इन क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स बता दो भाई जल्दी से Lack of love and security अमंग childrens रिजल्ट इन क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर अंगूठा चूसना ओके यानी कि थम सकिंग बच्चा ये तभी करता है जब उसे प्यार नहीं मिलता और साथ ही साथ उसे हमेशा सिक्योरिटी की कमी लगती है ओके okay? सो so आपको ये वाला एक सिम्टम देखने के लिए मिलेगा उस समय पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया गया है क्वेश्चन देखो अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने है प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क निम्न के द्वारा किया जा सकता है ए ए ए मैन मैन अप्रोच अप्रोच टू टू एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन एजुकेशन आपको बताना है प्रसार शिक्षा के लिए अगर आप एक विराट संपर्क बनाना चाहते हो तो किसके द्वारा बना सकते हो यह आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर शैक्षिक यात्रा प्रदर्शन रेडियो और उपयुक्त सभी बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर अगर प्रसार शिक्षा के लिए आप एक विराट संपर्क बनाना चाहते हैं तो किसके माध्यम से बना सकते हैं आप देखो यात्रा है पर्टिकुलर एक एरिया तक ही रह जाएगी है ना प्रदर्शन है एक प्लेस तक रह जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट रेडियो ओके क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा यहाँ पे रेडियो क्योंकि वो जहां-जहां लोग सुन रहे होंगे ना एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो सकता है ओके okay? वो सूचना बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकती है सो ये आपका क्या हो सकता है एक तरीके का मास अप्रोच का मेथड हो सकता है ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है दुआकरा का मतलब क्या होता है बताइएगा आपको बताना है डवाकरा का मतलब क्या होता है यानी कि ड्वाक्रा की फुल फॉर्म क्या होती है ओके okay, ये आप लोगों का क्वेश्चन है बताओ भाई जल्दी से ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग फिक्स रहता है कि आईसीडीएस या ड्वाकर में से मिलना ही मिलना है ओके okay, बताओ भाई जल्दी से ड्वाकर का मतलब क्या होता है सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट्स और मुझे बताएंगे मैं इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ कि डवाकरा का मतलब क्या होता है कब इसको एस्टेब्लिश किया गया चलिए आपको ये भी बता देती हूँ सेप्टेम्बर 1982 में डाकरा को एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म होती है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूलर एरिया ओके okay. क्या होती है स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया इसका काम क्या है यह महिला और बच्चों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है काम करने वाला आपका एक प्रोग्राम है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम ये इसका आपका नाम होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई कौन सी है आपको बताना है जो कैम्ब्रिक वाला फैब्रिक है और जो आपका पॉपलिन वाला फैब्रिक है वो किस बुनाई से बुने जाते हैं बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर आपके कैम्ब्रिक एंड पॉपलिन ये किस बुनाई से बुने हुए कपड़े होते हैं बताइए भाई जल्दी से सब लोगों को आंसर देना है कि जो कैम्ब्रिक फैब्रिक है एंड देन जो पॉपलिन फैब्रिक है वो किस बुनाई के द्वारा बुना जाता है क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर बता दो देखो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे कैम्ब्रिक एंड पॉपलिन जो बुने जाते हैं प्लेन बुनाई के द्वारा बुने जाते हैं जिसे टैबी टाफ्टा के नाम से भी जाना जाता है ओके सो प्लेन बुनाई से बुना जाता है आपका कैम्ब्रिक और पॉपलिन का कपड़ा ओके okay? ये प्लेन बुनाई के ही वस्त्र होते हैं ठीक है ना इतना ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है यौन प्रजनन आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवार के चार बुनियादी कार्य हैं द्वारा ये कार्य सुझाए गए हैं एक तो यौन एक प्रजनन एक आर्थिक एवं शैक्षणिक ये ये आपके चार कार्य हैं, हैं जो कि किसी के द्वारा के द्वारा सुझाए गए और परिवार बुनियादी कार्य बताए गए हैं किसने इन्हें सुझाया है बता दो फैमिली परफॉर्म्स फोर बेसिक फंक्शंस एग्जाम्पल सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल ये आपके किसके द्वारा सजेस्टेड फंक्शंस हैं? बताइए बेल के द्वारा वोगेल के द्वारा मर्डोक के द्वारा एंड मेलविच के द्वारा बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर बताओ भाई एंड ऐसा क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट होता है ठीक है जी बताइए क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा ये फोर बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली किसके द्वारा सुझाए गए हैं बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर देखिए क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर है मर्डोक ओके ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा मर्डोक बनेगा इन्होंने ही ये चार आपके कार्य हैं जो परिवार के सुझाए हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं तो वो किस प्रकार की आय होगी एक व्यक्ति है किसी कंपनी में काम करता है पर उसे सैलरी के अलावा रहने के लिए घर भी मिला हुआ है तो बताइए ये किस तरीके की आय होगी धन आय वास्तविक प्रत्यक्ष आय वास्तविक अप्रत्यक्ष आय और मानसिक आय क्या होगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सही आंसर अब एक बात का ध्यान रखना कि मानसिक आय तो ये होने से रहा और धन आय भी ये होने से रहा तो so ये वो आंसर है जिन्हें एलिमिनेट करना ही करना है तो so अब हमें 50% परसेंट के साथ खेलना है के बता दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा या तो आंसर होगा स्टूडेंट वास्तविक प्रत्यक्ष आय और या आंसर होगा वास्तविक अप्रत्यक्ष आए तो so अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सब लोगों को आंसर देना है रियल डायरेक्ट इनकम या फिर रियल इनडायरेक्ट इनकम बताइए सब लोग आंसर लगाएंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर यहां पे क्या बनेगा यहां क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट रियल इनडायरेक्ट इनकम ओके ध्यान से देख लीजिएगा इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहां पे रियल इनडायरेक्ट इनकम हमारा यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा ठीक है सो so यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया है आगे बढ़ते हैं और अब आने वाला है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है किसी रंग की चमक या निरस्ता का तात्पर्य निम्नलिखित से होता है भाई आपको किसी रंग की ब्राइटनेस और डलनेस के बारे में बताना है वो आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कलर की एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रंग का ह्यू होता है वो क्या होता है रंग का नाम होता है जैसे लाल पीला नीला काला है ना एंड देन मूल्य क्या बताता है स्टूडेंट कि वो कितना हल्का है और वो कितना गहरा है है ना कितना लाइट है और कितना डार्क है प्लस किसी रंग की ब्राइटनेस और डलनेस कौन बताता है उसकी इंटेंसिटी बताती है ओके okay? जो उसकी इंटेंसिटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं रंग की तीव्रता कहते हैं वो ये बताती है कि कोई कलर कितना ब्राइट है और कितना डल कलर है ओके, okay, so ये थे आज के क्वेश्चन आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे स्टूडेंट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर कीजिएगा रेगुलर मेरी क्लासेस का टाइम याद रखिएगा स्टूडेंट्स उसमें जुड़ना ना भूलें आज का होमवर्क क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपको भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था ये आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन है तो आई होप आप क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में मैं सबके आंसर्स को चेक करूंगी स्टूडेंट्स एंड बाय गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम्स आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे एट द रेट होम साइंस जंक्शन आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम पे होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं कल फिर और कल एक फिर से नई क्लास होगी आप लोगों के लिए सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक like, शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम आंसर दीजिएगा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर